What's up viewers and welcome back to my channel with my new video. और मैं आप लोग के लेके आया हूँ एक छोटा सा व्लॉग जिसमें आई एम गोइंग टू माई फेवरेट प्लेस हिमाचल प्रदेश, जिसमें आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, प्लस मैं आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज भी दे दूंगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉलेज किस चीज़ की, तो नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा ट्रिप के बारे में। मतलब अगर आप लोग ट्रिप पे जा रहे हो, सोलो जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, कपल जा रहे हो, तो एक ट्रिप पे ना चीज़ें होती है, काफ़ी सारी चीज़ होती है जो आप लोग को जाननी चाहिए। तो सबसे पहले जो टिप है, मतलब ये प्री ट्रिप टिप है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, एक दो दिन पहले अपना जितना भी सामान है, ये मेरे दो बैग्स हैं, इनको मैंने एक दो दिन पहले ही पूरा पैक कर लिया था। दूसरी चीज़, जिस दिन आप ट्रिप पे जा रहे हो उस दिन अपना पूरा का पूरा दिन फ्री रखना, उस दिन आपको कुछ नहीं करना। पहली चीज़ क्या करनी है, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो आप लोग लेके जाना चाहते हो, लाइक आपका लैपटॉप, कैमरा, फ़ोन, सब चीज़ आप लोगों को चार्ज करके रखनी है, मतलब उसको चार्ज पे लगा देना है, और एक टू डू लिस्ट बना लेनी है कि ये चीज़ हो गया, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। एंड आप लोगों के पास पावर बैंक तो हो गई, उनको चार्ज करके रखो। मेरे पास तीन पावर बैंक हैं, एक है मेरे पास MI का जो कि मैं शायद रखाया, ये एक है मेरे पास, ये MI का, ये वाला, ये है आई थिंक 20,000 mAh का, जिससे मैं अपने फ़ोन चार्ज करता हूँ। और एक मेरे पास है आपका एम्ब्रिन का, ये भी है 20,000 mAh का, जिससे मैं अपने जो मेरा कैमरा है ये वाला सोनी वाला, इसको मैं चार्ज करता हूँ। और एक है मेरे पास क्वांटम का, वो नॉर्मल है, उससे मैं करता हूँ अपना GoPro चार्ज, क्योंकि बहुत ही कभी कभी टाइम लैप्स बनाना होता है, तो उसको मैं चार्जिंग पे रख देता हूँ और वो चार्ज होता रहता है, टाइम लैप्स बनता रहता है। थर्ड जो प्री ट्रिप टिप थी वो है कि आप अपनी जो जिस चीज़ में भी आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी हो या आपकी बाइक हो, उसको पूरा का पूरा आप लोगों को ना चेक करवाना है, मतलब एक छोटी सी सर्विस करवानी, जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी का करवा दी। निकलने से पहले मैंने इसके पूरे चारों टायर चेक करवाए, ब्रेक्स चेक करवाए, क्लच चेक करवाया, अलाइनमेंट करवाई, बैलेंसिंग करवाई, थोड़ी सी बैलेंसिंग ख़राब थी वो चीज़ वो ठीक करवाया, AC चेक करवाया, इंजन ऑयल, मतलब एवरीथिंग, छोटी सी आप हर एक चीज़ चेक करवा सकते हो, लाइट्स चेक करवा सकते हो। ये चीज़ सबसे मेन है, क्योंकि आप जिस चीज़ में जा रहे हो ना वो चीज़ आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। टायर्स मेरे ख़राब थे, एक मेरा टायर ख़राब था, वो मैंने चेंज करवा दिया, नया टायर डलवा दिया, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है आपको। फोर टिप आपकी रोड ट्रिप के लिए, अगर आपकी रोड ट्रिप पे आप लोगों को नींद आ रही है, तो गाइज मेरा ओपिनियन तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई आप सो जाओ, एक पावर नैप ले लो, छोटा सा 15-20 मिनट का ले लो, हाफ एन आवर ले लो, जिससे क्या है ना, माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाता है। बट आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, पहली या तो आप जो आपके गाने हैं आप गाने चला सकते हो, अगर आपके पास स्क्रीन है गाड़ी में तो उस पर स्क्रीन में कोई मूवी लगा सकते हो, ठीक है, या आपकी जो को पैसेंजर है उससे बातें कर सकते हो। मेरा जो को पैसेंजर है ये ज़्यादा बातें करती नहीं है, सो जाती है, ठीक है, थोड़ा टाइम पर सो जाएगी, ठीक है। और तो और आपके को पैसेंजर को गाड़ी चलानी आती हो, सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसको वेमेन सिखाऊंगा। वैसे मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती, 100 में से 10% लड़कियों को गाड़ी चलानी आती है, वो भी अच्छी, 90% ये आप लोगों को ही पता है कैसे चलानी आती है। प्लस कैफीन, रेडबुल ले लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, ये तीन चीज़ें आप आराम से पी सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने इस राइड पर कर सकते हो, अपनी ट्रिप पर कर सकते हो। बट हाँ, नींद आ रही है तो उस चीज़ को ख़त्म करो, क्योंकि अगर आप नींद में गाड़ी चलाओगे तो एक जो पी के गाड़ी चलाता है बंदा और जो नींद में गाड़ी चलाता है, दोनों एक ही है, दोनों डेंजरस है, आप बिल्कुल उसको संभालो और एक्सीडेंट होगा ही होगा।